बेगूसराय में एक निजी विद्यालय प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाकर अभिभावकों ने सड़क को जाम कर दिया तथा विद्यालय प्रबंधन के विरुद्ध नारेबाजी शुरू कर दी। दरअसल अभिभावकों का आरोप है कि कोरोना काल में विद्यालय संचालित नहीं होने के बावजूद भी विद्यालय प्रबंधन द्वारा पूरी फीस जमा की जा रही है और अभिभावक जब विद्यालय के कर्मचारियों से मिलने की कोशिश करते हैं तो उन्हें मिलने नहीं दिया जाता है। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि लगातार विद्यालय प्रबंधन को इस संबंध में फीस माफ करने की गुजारिश की गई, लेकिन विद्यालय प्रबंधन इस पर राजी नहीं है। थक हार कर अभिभावक सड़क जाम करने को बेबस हुए हैं। पीटी न्यूज़ बिहार के लिए बेगूसराय से रवि शंकर गन की रिपोर्ट। स्कूल में बहुत ज्यादा मनमानी चक्कर रही है, एडमिशन चार्ज भी लिए पूरा और मंथली फी भी ले रहे हैं। जैसे इन लोग को इलेक्ट्रिसिटी बिल एकदम नहीं लेना चाहिए था, खेल कूद का ले रहे हैं, सब चीज का ले रहे हैं यहाँ स्कूल में बहुत, लेकिन इन लोग को जैसे मंथली फी ले रहा है ना, लेकिन एडमिशन चार्ज नहीं लेना चाहिए था इन लोगों को। पता नहीं क्यों ले रहा, जबकि फर्नीचर फी भी नहीं लगा, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं लगा, खेल कूद का भी नहीं लगा, क्यों ले रहे हैं पैसा ये लोग? मनमानी ढंग से पैसा लिया जा रहा है। क्या नाम है? मंथली फी भी पूरा का पूरा नहीं है। क्या नाम है? मेरा रीमा भारती। स्कूल से फीस माफ करवाने के लिए हम लोग अप्लीकेशन देने आए थे, लेकिन कोई अथॉरिटी आगे आके मिलने के लिए गार्जियन से तैयार नहीं है और ना कोई बात करना चाहते हैं, कहते हैं कोई अवेलेबल ही नहीं है स्कूल, और बच्चे को एग्ज़ाम देने से मना किया जा रहा है, एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा ना एडमिट कार्ड दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं माना मेरा, इसलिए हम पुलिस प्रशासन और सबसे सहयोग चाहते हैं कि वो लोग आके हमारी बातों को उसके स्कूल प्रशासन के सामने रखें और हमारा मांग मनवाएं। क्या नाम है आपका? नवनीत। चलो आश्वासन मिला है कि अभी मैडम नहीं है, मैडम को आने पर जो होगा तो मैडम का लेंगे। प्रिंसिपल मैडम? हाँ। प्रिंसिपल लोग जॉब किस लिए किए थे? वो आवेदन तो किसी भी नहीं ले रहे हैं। आवेदन इन लोगों का कहना था कि आवेदन ले लीजिए, आप आवेदन मैडम आएगी उनको दे दीजिएगा। आवेदन में क्या मांग किया गया? क्या मांग के हम लोग नहीं है।